strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट है, और इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक अपना एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारी कलर थ्योरी की वीडियोस स्टार्ट हो गई हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे कलर्स की मीनिंग को देख सकते हैं, कैसे आप एक कलर है तो उससे आप मीनिंग क्या ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और क्लाइंट आपको कलर नहीं देता, तो आपको कैसे अपना एक कलर चूज़ करना है वो। उसके अलावा हम कलर व्हील को डिस्कस करेंगे, हम उसके अलावा कलर व्हील के अलावा हम उसके कोल्ड कलर, वार्म कलर को देखेंगे, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है और उसके पास उसके ब्रांड का कलर नहीं है, और उसने हमें डिज़ाइनिंग का काम दिया है, उसने कहा है कि आप डिज़ाइनिंग करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये देखिए कलर एसोसिएशन। अब जब मैंने आप लोगों को इन कलर्स की मीनिंग बताए, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास एक स्टिंग की बोतल है तो उससे आपको क्या फील आती है, उससे आपको एक एनर्जी की फील आती है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं कलर एसोसिएशन के वर्ड के ऊपर कि आपने क्लाइंट के कलर को कैसे थिंकिंग में लेकर आना है और उसको कैसे डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर वो आपको कोई काम दे रहा है तो उसका पीछे बिजनेस क्या है। अगर आपको पता है कि उसका बिज़नेस है कोई स्टूडेंट्स के अलावा, मतलब अगर उसका कोई बिज़नेस है एजुकेशन के बारे में, तो आप उसके अंदर ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू ट्रस्ट को शो करता है। येलो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमें स्पाइसी खाने जो हैं वो सर्व किए जाते हैं, हमारा एक रेस्टोरेंट है और हमारे रेस्टोरेंट के अंदर एक स्पाइसी जो खाने हैं, स्पाइसी फूड को सर्व किया जाता है ज़्यादातर, तो आप उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, आप बेझिझक उसके अंदर रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइसी से आपने रेड कलर को जोड़ा, स्पाइसी से आपने रेड कलर को जोड़ा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है और वो कहता है यार कि हमारा जो है ना बिज़नेस है वॉचेस का, हमारा बिज़नेस है हॉल्स का, ऐसा है हमारा कोई बिज़नेस है ना, तो उसके अंदर आप पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पर्पल किसको शो कर रहा है, रॉयल्टी को भी शो कर रहा है और उसके अलावा वेल्थ को भी शो कर रहा है। ये ऐसे इस तरीके से जो है आप ना जो अपने बेसिक कलर्स हैं ना, जो अपना फर्स्ट कलर है अपना, वो आप चूज़ कर सकते हैं। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने फर्स्ट कलर चूज़ कर लिया और वो आपने चूज़ किया कि आपका जो क्लाइंट है उसके लिए जो फर्स्ट कलर है वो हमारा है रेड कलर, जो हमारा है रेड कलर। अब इस रेड कलर को आप चाहते हो कि वो चाहता है कि उसके जो ब्रांड है उसके अंदर रेड के साथ एक और कलर भी आए, तो वो भी आपको बिल्कुल आपको एसोसिएट करना होगा कि भाई रेड के साथ कंट्रास्ट क्या होता है, तो वो हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपने कंट्रास्ट में कैसे कलर्स को यूज़ करना है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास तीन कलर्स हैं, ये हमारा एक जो कलर व्हील है वो है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं, सही है, हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कलर्स हैं, एक रेड येलो और यह है ब्लू, रेड येलो ब्लू। जब हम यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका जो है मैं जो कलर है वो वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये रेड है, ये येलो है और ये हमारे पास ब्लू है। उसके बाद देखें एक तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, अब प्राइमरी एक ही हमारी कलर स्कीम है कि ये हमारे बेसिक कलर, हमने कौन सा चूज़ किया, हमने रेड चूज़ किया बेसिक कलर के अंदर। अब देखेंगे हम आगे यूज़ कर आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी के अंदर देखें जब हम लोग ये एक रेड, ये हमारा जो सिंपल कलर, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर ब्लू और रेड को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने ब्लू को और रेड को मिला दिया आपस में, हमने दो कलर्स को मिला दिया तो हमें मिला ये वाला कलर, सही। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ये येलो को और रेड को आपस में मिलाया तो हमें मिल गया ये वाला कलर सेकेंडरी, ये हमारा सेकेंडरी है व्हील। उसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ से येलो को और यहाँ से ब्लू को हम आपस में मिलाया तो हमें ये वाला ग्रीन कलर मिल गया, सही।
अब ये दो हमारे पास इन तीन बेसिक कलर्स को मिलाने के साथ हमें तीन कलर और मिल गए, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखें हमारे पास ये जब प्राइमरी हमारा हो गया, हमारा सेकेंडरी भी हो गया, अब हम बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देखें हमारे पास ये वाला एक कलर है रेड और एक कलर हमारे पास है ये येलो। जब हम लोगों ने इन दो को मिलाया तो हमारे पास ये वाला कलर बन गया। उसके साथ ही अब हमारे पास देखें कि हम लोगों ने जैसे जैसे हम दो कलर्स को मिलाते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो को मिलाते हैं तो हमें ये कलर मिलेगा, अगर हम इन दो को मिलाते हैं तो हमें ये कलर मिलेगा, जैसे कि हम इन दो को मिलाएंगे हमें ये वाला कलर मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, अगर देखें हम लोग इन दो को ये वाला कलर और ये वाला कलर मिलाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कलर व्हील बनता है। कलर व्हील के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ कलर्स होते हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होते हैं वार्म कलर्स। ये हमारा पूरा एक व्हील था, ये वाला हमारा एक पूरा व्हील था यहाँ पर ये वाला। अब इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ वार्म्स कलर होते हैं। पहले तो अब देखिए हमारे पास वॉर्म्स क्या होती है, हमारे पास रेड के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, ये आधा कलर व्हील कर लें आप वॉर्म्स का होता है और आधा कोल्ड का। अब वॉर्म्स हमारे पास ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, फिल्म्स में आपने देखा होगा, फिल्म्स के अंदर वो ज़्यादातर वॉर्म कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है कोल्ड कलर्स। कोल्ड कलर ये हैं हमारे पास, इनकी जो हम कलर का पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं लाइक कि कलर को देखने से क्या फील आता है, तो ये वो वाले कलर्स हैं कि जिनको देखने से अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है। अगर आप रेड कलर देखेंगे तो आपको कभी भी ठंडा फील नहीं होगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप कोई ना कोई इससे ख़तरा ही महसूस करेंगे। तो दो चीज़ें हो गई मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम लोग अपने जो कलर एसोसिएशन है उसको कैसे यूज़ करना है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास कलर कैसे बनते हैं, एक तीन बेसिक कलर थे हमारे पास ये वाले, इसके बाद हम लोगों ने कैसे इससे इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने कितने कलर बना लिए। अच्छा उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लाइक के हमारे पास एक कलर है और हम लोगों ने उसके साथ दूसरे कलर को कंट्रास्ट कराना है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, दो कलर को भी आप कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पर मिल नहीं रहा फिलहाल। अब देखेंगे जैसे हमारे पास ये एक थीम है, अब आप कम कंट्रास्ट चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, कम कंट्रास्ट चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, अगर आप लोगों ने रेड कलर जो है आप लोगों ने थीम में अपनी सेलेक्ट किया है। अब ये देखें इस एरो का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि ये एरो क्या इंडिकेशन दे रहा है। ये एरो हमें ये कह रहा है कि अगर आपका ये वाला कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ कि आपके पास एक ये वाला कलर है व्हील के अंदर, आपने एक ये नंबर वन चूज़ किया और इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास नंबर फाइव कलर है, तो आप इन दो को आपस में कंट्रास्ट कर सकते हैं। या तो आपने फाइव चूज़ किया तो आप उसको वन के साथ कंट्रास्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है हमारे पास कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला जो एक है, हम अगर हमारे पास ऑरेंज कलर है तो हम ऑरेंज को सिर्फ ब्लू के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखें ये जो पूरा हमारे पास है ना ये वाला एरो, इसको आप यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप इसको आप मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, इसको आप देखें एक एरो ये आ गया हमारा, उसके बाद आप इसको यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस रेड को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए आप खुद ही अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपने इस थीम को यूज़ करते हुए कैसे कलर्स को चूज़ करना। अगर आपके पास रेड है तो आप उसके ग्रीन भी कर सकते हैं, कंट्रास्ट की बात हो रही है, कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री को हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री देखें ये एक एरो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ ये वाला कलर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते, बाकी भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप कर जाएं अपने साथ आप कर सकते हैं, ऐसे आप बिल्कुल बाकी भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एरो, एक ये वाला एरो आ रहा है। अब इस एरो का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि ये एरो हमें क्या समझाना चाह रहा है। ये एरो हमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास कलर नंबर वन आपका जो बेसिक कलर है वो है, जो आपका बेसिक कलर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वन है, ये हमारा बेसिक कलर है, और यहाँ पर हमारे पास टू है, यहाँ पर हमारे पास थ्री है,
तो अब पहले हमने पढ़ा था कि हम आपस में यूं कलर कंट्रास्ट कर सकते हैं। अब इस थीम के अंदर ये एरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस कलर के साथ ये दो कलर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के मुताबिक। ये भी एक स्कीम है कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। अब मैं आपको इस एरो का, जैसे मैंने आपको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में करके दिखाया, तो मैं भी आपको इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये वाला एरो है ऑरेंज के साथ, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला यूज़ कर रहे थे। आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हम बिल्कुल कलर के ऑपोजिट वाला यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम क्या करें कि हमारा एंगल जो है वो बढ़ रहा है। पहले कोई नहीं था, अब दो एरो आ गए हमारे पास। अब देखें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स है और उसका जो मेन कलर है वो रेड है और वो चाहता है कि मैं इसके साथ कोई और कलर यूज़ करूँ। देखें आपने पहले क्या किया, आपने एक एरो बनाया, ये एरो आपने बना लिया सिंपल। अब देखें आपने ये एरो बना लिया तो ये कौन सी स्कीम हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम हो गई। उसके बाद आपने अगर एक और एरो यहाँ बना दिया और एक एरो यहाँ पर बना दिया तो ये देखें हमारे पास ये दो कलर्स आ रहे हैं, इसके ऑपोजिट में ये दो कलर्स हमारे पास आ रहे हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम के मुताबिक हमारे पास ये वाले दो कलर्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स है और उसके पास, उसने यहाँ पर हमारे पास येलो कलर चूज़ किया है, अगर फॉर जस्ट लेट सपोज कर लें कि उसके पास एक येलो कलर है जो उसकी थीम का है, जो उसकी थीम का कलर है, जो उसने बेसिक कलर जो है वो उसका येलो है। तो अब आप क्या करें, आप यहाँ से इसको इसके साथ कंट्रास्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम के मुताबिक। लेकिन आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री अगर यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये वाला येलो के साथ और ये वाला, आपको ये वाले दो जो कलर हैं ये येलो के साथ यूज़ करने पड़ेंगे अगर तो आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ आया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ट्रायड। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारा जो कंट्रास्ट लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, अब बिल्कुल ये वैसे ही हमारे पास वर्क कर रहा है ट्रायड। अब जैसे मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दे दिया, बाकी भी आपके पास ऐसे ही, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि एक शख्स है, उसके पास उसका जो बेसिक कलर है वो है ये वाला, ये है उसका बेसिक कलर। अब जो हमारी थी कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, उस कलर के मुताबिक ये वाला शख्स ये वाला कलर यूज़ करेगा। जो हमारी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री थी स्कीम, उसके मुताबिक ये वाला शख्स हमारे ये वाले कलर यूज़ करेगा इस कलर के कंट्रास्ट में। लेकिन अब ट्राइएड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो देखें हमारे जो एरोस हैं उनका जो एंगल है बीच का वो इंक्रीज़ हो गया, अब वो इस पर और इस पर चला गया, ना कि वो इस पर है और ना ही वो इस पर है। तो ऐसे अभी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज़ अगर एक शख्स आया हमारे पास और वो कहता है मेरा जो है ये येलो कलर जो है ये मेरे ब्रांड का बेस कलर है, मुझे येलो के साथ ही कोई कंट्रास्ट चाहिए, तो आप उसके अगर आप ट्राइड यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको ये, उसके लिए आपको रेड और आपको ये वाला कलर यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरा जो बेसिक कलर है वो ब्रांड का है येलो। अब अगर आप और उसने कहा है कि आपको आप ट्राइड थीम का यूज़ करेंगे, हालांकि क्लाइंट बताता भी है कभी कभी कि आपने कौन सी कलर थीम का यूज़ करना है, अगर आपको नहीं कलर थीम का पता होगा तो आप उसमें फंस जाएंगे, इसीलिए तवज्जो से ये वाली क्लासेस देख लीजिए। क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा कि भाई मुझे ब्लू येलो कलर जो है वो यूज़ करना है अपने ब्रांड के अंदर, जो है मेरा बेस कलर। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने ट्राइड जो कलर थीम है आपके कलर व्हील के अंदर वो यूज़ कर लें सिंपल। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा पहले कि ये हमारे पास तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बाद आपने बोला ये अगर मैं यूज़ करता तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मैं ब्लू और रेड यूज़ करता हाई कंट्रास्ट के लिए ब्लू और रेड यूज़ करता तो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के ब्रीफ के मुताबिक, आप रेड और ब्लू यूज़ कर सकते हैं येलो के साथ ट्राइड अगर आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास देखें डबल कॉम्प्लीमेंट्री जो आता है, ये भी हाई कंट्रास्ट जो हमारे पास कलर्स होते हैं वो हैं, आप बिल्कुल इसको बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री का, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का, ट्राइड का, ये बिल्कुल वैसे ही। अगर आपके ब्रांड में ज़्यादा कलर्स हैं तो आप बिल्कुल ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस थीम को, आप रेड को इसके साथ मिला सकते हैं, आप इसको इसके साथ मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कलर्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये कुछ स्टेप्स समझ आएंगे, कुछ स्कीम समझ आएंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री देखा, हम लोगों ने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री देखा, हम लोगों ने ट्राइड देखा, हम लोगों ने डबल कॉम्प्लीमेंट्री देखा। ये जो चार कलर थीम्स हैं ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आगे भी हमारे पास कुछ और थीम्स हैं जो हम आगे फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली जो वीडियो है हमारी ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।